सरकार भले ही सरकारी स्कूल और छात्रावास के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सुविधा देने का दम भर रही हो, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। छात्रावासों की मनमानी का यह हाल है कि छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के बजाय उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। बता दें कि सीहोर जिले से ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जहां सीहोर अनुसूचित जाति विकास और जनजाति कार्य विभाग के जिला कार्यालय के पास बने छात्रावास में पढ़ाई के लिए आई छात्राओं को किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दी गई और साथ ही बच्चों से स्कूल में पढ़ाई की जगह साफ सफाई करवाई। वहीं जब इस संबंध में जिला संयोजक हीरेंद्र सिंह कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने इस कार्य को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्वच्छता का नाम ले रहे अधिकारी के हाथ में किसी भी प्रकार से कोई झाड़ू नहीं दिखाई दी। वही इस मामले के सामने आने के बाद में जिला अधिकारी ने बाद में छात्रावास अधीक्षक से जानकारी लेने का बहाना बना दिया। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। देखिए, चूंकि एक पहलू इसका ये हो सकता है कि जो स्वच्छता हम जो 16 तारीख से और 26 तारीख तक चला रहे हैं बीच बीच में समय समय पर, जहाँ मंदिरों पर भी आपने स्वच्छता देखी है, सभी कार्यालयों में स्वच्छता देखी है, उसमें हो सकता है ये छात्रावास अधीक्षक बच्चों से सहभागिता ले रही हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं कि कौन से छात्रावास की बच्चियाँ हैं, यद्यपि किसी की हैं तो मैं उस परिसर में जितने भी छात्रावास अधीक्षक हैं उनसे संज्ञान में लेकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।